सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विजन एंड फलकनरी को। सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन पे क्लिक करें और बगल में इस घंटे पे भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन शो होंगे और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विजन एंड फलकनरी और हमारे हाथ में जो कबूतर है आप देख सकते हैं, इसका बाजू यहाँ से इस जोड़ से टूट चुका है और हड्डी बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो इस सबसे पहली बात ये कि एक बाजू लटकना हो जाता है, यानी जो कबूतर बाजू छोड़ देता है तो वो विटामिन की कमी से होता है। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो हड्डी टूटने का है, इसे किसी चीज़ से चोट लग गई और यहाँ से ये हड्डी टूट गई है। तो इसका इलाज और उसके इलाज में फ़र्क है। तो यहाँ पर हड्डी को जोड़ने वाली बात है, ना कि विटामिन का डोज देने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम झूल चुकी है यहाँ से ये, और यहाँ पे फूल भी चुका है। मोबाइल में तो नज़र नहीं आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी तो भी, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से ये हड्डी यहाँ से बिल्कुल एकदम अलग हो चुकी है। तो सबसे पहले करना क्या है ऐसे कबूतर में, इसमें कोई ऐसी जगह ये है कि इसको कोई प्लास्टर व्लास्टर तो बांध नहीं सकते थे, पैरों में होता तो प्लास्टर लगा देते। तो सबसे पहली बात तो इसका इधर का पंख बांध दें, जैसे कि आप देखें ये पिन से बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ का भी पंख बांध दें। पंख बांधने का मकसद ये है कि पंख बंधा रहेगा तो कबूतर जोर नहीं लगाएगा बाजू पर, ना उड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि पंख बांधने के बाद अब इस बाजू को सपोर्ट देना है, ताकि ये बाजू इस तरह हमेशा ऊपर रहे, ना कि लटके रहे। ऊपर रहेगा ये बाजू तो यहाँ पे जोर कम पड़ेगा और हड्डी जल्द से जल्द जुड़ने का चांसेस रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों बाजू को, इन दोनों यहाँ के जो बड़े पर हैं इनको आपस में बांध देंगे सेलो टेप से। सेलो टेप से बांधने से ये होगा, ये बाजू यहीं पर अटका रहेगा और लटकेगा नहीं, और जब लटकेगा नहीं तो जोर कम पड़ेगा और जल्द से जल्द जुड़ने का चांसेस बना रहता है। और ये ऐसी जगह है कि कोई प्लास्टर तो बांध नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि कबूतर का बाजू बराबर ऊपर बना हुआ है। और इसे ऐसे जगह रखें जहाँ पे बाकी कबूतर ना हो, क्योंकि इसे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कबूतर इसे परेशान करेंगे तो ये उड़ने की कोशिश करेगी। तो इसे इस तरह का कोई जाल ले लें या फिर कोई पिंजरा ले लें, छोटा सा केज, उसी में रख दें, दाना पानी बराबर रख दें, वो अपना उसी में रहेगी। हफ्ते 10 दिन में उसका वो बाजू वहाँ से खोल दें। चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय। इस तरह के जाल में रखने का मकसद ये है कि इस तरह के जाल में ये ना उछलेगी, ना पर खोलने की कोशिश करेगी और ना ज़्यादा कुछ इधर उधर चलेगी, चुपचाप खाएगी पिएगी और बाजू को भी इसके आराम रहेगा।